हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने अपनी लिस्ट जारी की है, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास रैंकिंग नंबर 1 पे है। आईआईटी मद्रास की पिछले साल भी रैंक फर्स्ट थी और इस साल भी ये रैंक फर्स्ट पे आया है, तो जानेंगे इसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF को लॉन्च हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने किया था। इसकी शुरुआत 29 सितंबर 2015 में हुई थी। यह रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ के विकास के लिए किया जाता है। यह रूपरेखा देश भर के संस्थानों को रैंक करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार की जाती है। आईआईटी मद्रास 2019 और 2020 दोनों ही वर्षों में रैंक फर्स्ट हासिल की है। ये आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल साइट है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की। है इंडिया रैंकिंग 2020 रिलीज्ड बाय श्री रमेश पोखरियाल निशंक। ये 11 जून 2020 को जारी हुई। इसमें यहाँ पे रैंकिंग फर्स्ट पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास को दर्शाया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को सेकेंड रैंक दी गई है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को 16th रैंक, BHU को 10th रैंक दी गई है। और बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, तो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को फर्स्ट रैंक मिली है। 2019 की रैंकिंग में पर भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास फर्स्ट रैंक पर था, फिर उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सेकेंड रैंक पर था। इसमें यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग करने के लिए कई पैरामीटर्स निर्धारित किए गए हैं, जिसमें प्रदर्शन के आधार पर स्कोर दिए जाते हैं। इन पैरामीटर्स में आप देख सकते हैं, ये है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज में, जिसमें स्टूडेंट स्ट्रेंथ को देखा जाता है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो देखी जाती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशंस देखे जाते हैं। दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। फिर है ग्रेजुएशन आउटकम, जिसमें मैट्रिक फॉर नंबर ऑफ PhD स्टूडेंट ग्रेजुएटेड देखे जाते हैं। अगला है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, इसमें परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स या कंट्रीज़, परसेंटेज ऑफ वुमन, इकोनॉमिकली एंड सोशली चैलेंज स्टूडेंट्स, फैसिलिटीज़ फॉर फिज़िकली चैलेंज स्टूडेंट, इस प्रकार की सभी चीज़ें देखी जाती हैं और उसी प्रकार इन्हें स्कोर दिया जाता है, फिर उसकी रैंकिंग की जाती है। NIRF हर साल रैंकिंग जारी करती है। तो ये था पूरा एनालिसिस इस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट।